सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट। जब राम ने थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी को मिला रावण का साथ। 33 साल पुराना है वाक्य। 1987 में टीवी पर प्रसारित होना शुरू हुआ रामायण इतना लोकप्रिय हुआ कि उस दौरान रविवार की सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। तब अभिनेता अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था। वहीं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच सियासी माहौल भी गर्म रहा है। भारतीय जनता पार्टी समारोह से दूर रहने पर कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है। सियासी तानातानी के बीच 80 दशक के लोकप्रिय टीवी शो रामानंद सागर की रामायण की यादें भी ताजा हो रही है। दिलचस्प है कि एक समय ऐसा भी आया जब टीवी के राम ने कांग्रेस चुनी, जबकि रावण का किरदार निभाने वाले ने भाजपा के सदस्य बने। 1987 में टीवी पर प्रसारित होना शुरू हुआ रामायण इतना लोकप्रिय हुआ कि उस दौरान रविवार की सुबह घर की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। तब अभिनेता अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था। वहीं अरविंद त्रिवेदी रावण की भूमिका में थे। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में बढ़ते ग्राफ को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोविल को कांग्रेस में आने का न्योता तक दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविल को कई मौकों पर गांधी के साथ प्रचार करते हुए भी देखा गया था। वहीं आउटलुक एक रिपोर्ट में इंडिया टुडे के हवाले से बताया गया है कि साल 1988 में कांग्रेस की सदस्यता भी दी गई थी और चुनाव लड़ने तक के लिए कहा गया था। खबरें थी कि उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वहीं आपको बताते हुए चलते हैं कि इधर 19 के दशक में टीवी के रावण त्रिवेदी भाजपा की ओर चले गए थे। उन्होंने साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद भी बन गए। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार में त्रिवेदी को 2002 से 2003 के बीच सीवीएफसी का भी अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि 2021 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे। इससे कुछ समय पहले ही गोविंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। साल 2021 में त्रिवेदी का देहांत हो गया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा था, हमने अरविंद त्रिवेदी को दिया था जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के लिए भी जुनूनी भी थे। भारतीय की कई पीढ़ियां उन्हें रामायण टीवी सीरियल में काम के लिए याद रखेगी। परिवारों और प्रशंसकों के लिए संवेदनाएं ओम शांति कहा था। वहीं आपको बता दें कि यहां पर इसके अलावा सीरियल में राम की धर्मपत्नी सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया भी राजनीति में हाथ आजमा चुकी है। भाजपा ने साल 1991 में उन्हें वडोदरा सीट से मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट।